कोरोना से ठीक हुए रोगी और कोरोना वायरस की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत उन सभी कोरोना रोगियों को जो कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना वायरस की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष क्वाद काढ़ा प्रदान किया जाएगा। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर गोविंद राम ने बताया कि कोरोना को मात देने के लिए रोगियों को लंबे समय तक देखभाल की जरूरत रहती है। इनमें अवसाद, चिंता, स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ, कमजोरी, थकान और पैरों और सरदर्द इत्यादि की समस्या बनी रहती है। उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा इनकी प्रतिरोध क्षमता बढ़ाए रखने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। आज हमारे उपायुक्त महोदय, जिला मंडी श्री ऋग्वेद ठाकुर द्वारा जो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट आयुष किट का जो लॉन्च किया गया और इसके लिए जो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा हमें धनराशि उपलब्ध करवाई गई थी, जो कि जितने भी पॉजिटिव केस हैं ताकि उन लोगों को घर द्वारे प्राप्त हो सकें, इसके लिए हमने जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है उनके सहयोग से व जो हमारे RRT टीम है उनके सहयोग से घर आंग तक जो हम सबको दवाई उपलब्ध कराएंगे, ताकि जो है जल्दी से जल्दी हम कोविड की महामारी से जो उबर के आ सकें। 1800 जो है पोस्ट कोविड के जो पेशेंट कनेक्ट प्री कोविड इतने हैं जो रोगी हैं, जिनके लिए जो है इससे पूर्व जो है 1,00,000 रुपये जो पैक में जो धन की राशि उपलब्ध करवाई गई थी, परंतु महिला जी ने बोला कि हम आपको जो है और धनराशि उपलब्ध करा दी जाएंगे, जो इसके लिए जो कि धनराशि कमी जो है कोई आड़े नहीं आएगी, और इसी के लिए जो हमने जो स्वास्थ्य विभाग के सहयोग के द्वारा और आंगनबाड़ियों के द्वारा जो है जो कार्यकर्ता हैं वो हर घर द्वार तक जो है उसको जो उपलब्ध करवाएंगे। क्या क्या उपलब्ध करवाएंगे? इसका जो आयुष कार्ड के साथ साथ जो है इसमें जो है हम सिंसिमनी बटी, बिलोई घन बटी और इसके अलावा मुलठी चूर्ण और वो जहाँ तक जो वाली बात है काढ़े की बात है, जन सामान्य जो हमारे सोई में प्राप्त होने वाली औषधि है, तुलसी है, दालचीनी है, सौंठ है, काली मिर्च है, इसका जो हम प्रयोग कर सकते हैं, तो जो ताज़ी बनाई हुई घर की चीज़ है उसका जो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, तब हम बाकी जन सामान्य से हम ये अनुरोध यही करेंगे कि वो काढ़े का जो है प्रयोग जो खुद घर में बनाएं, जो फ्रेश यूज करें। इसके अलावा एक जो सामान्य हमारी जो गिलोय बटी, जो गिलोय है, जो सामान्य बेल होती है जो कि हमारे जो है आस पास पाई जाती है, जो गिलोय को जो अमृता भी कहा जाता है, इसमें जो इम्यूनिटी बढ़ाने में एक बहुत अच्छा रोल है, तो जो इसकी जो है ताज़ी जो आपको गिलोय प्राप्त होती हो, जो छोटे छोटे टुकड़े करिए आप, उसका जो सबरस 5 से 10 ml का पराठा सांप पीजिए, यदि वो सूखी मिलती है आपको तो उसको क्वाथ के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यह चाहेंगे जो आप आसपास जो हमारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं उनका भी आप प्रयोग करें, ताकि जो आप इम्यूनिटी को जो बचा सकें और इससे जो है आप जो रोग प्रतिरोधक बढ़ेगी, तो जो है हमारे जो समाज के लिए जो है एक अच्छा मैसेज जाएगा।